हे गाइस, तो आज मैं आपको अपने स्टाइल में सेम को बनाना बताऊंगी। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके मैंने धागे निकाल दिए पहले, और फिर मैं ले रही हूँ जीरा और सौंफ और धनिया। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद में इसका पाउडर बना लेना है। और जो सेम थी ना, उसको हल्का से एक बॉइल्ड आने तक बस बॉइल्ड करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये मैं पकाती हूँ, और फिर इसके बाद में आप इसको कट करोगे ना, तो इसमें जो भी रेसे होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, तो खाने में दांत में बिल्कुल भी नहीं फंसते और बहुत टेस्टी, एकदम अचारी वाला फ्लेवर आ जाता है। तो इसको हम कट कर लेंगे, और फिर इसके बाद में ना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस लहसुन मैंने थोड़े से काटे और थोड़ी सी प्याज काटी हुई है, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। बस उसमें लहसुन डाल दो और लहसुन पक जाए तब प्याज डाल दो, और मस्त इसको ब्राउन कर लो। और फिर उसके बाद में प्याज पक जाए, थोड़ा सा सब्जी मसाला थोड़ा ही डालना, क्योंकि हमने वो मसाला भी बना कर रखा है ना, बिल्कुल थोड़ा आधा डालना, और थोड़ा सा हल्दी डाल देना। और बस आलू को काट करके आलू डाल दो, और अब आलू को ही पकाना है, क्योंकि सेम हमारा ऑलरेडी पका हुआ रखा है। अब इसमें सॉल्ट डाल के आप ढक के रख दो। आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे ना, बहुत अच्छा पकेगा। ये थोड़ा हल्की थी कढ़ाई, इस वजह से मेरी तो थोड़ा चिपक रही थी, मैं उसी में बनाती हूँ, बट इस टाइम पे मेरी कढ़ाई गंदी रखी थी वो। तो बस सेम को ऐड कर दो जब आलू पक जाए अच्छे से, तब अब बस इसको थोड़ी देर चलाओ, ऐसे ही चलाओ थोड़ी देर, ये तो मैं एडिट करके दिखा रही हूँ। फिर उसमें मसाला डाल दो, वही वाला जो हमने रेडी किया था ना, वो मसाला डाल दो, दो चम्मच अपने हिसाब से डाल दो, पर बहुत ज़्यादा मत डालना। फिर उसके बाद में ढक के रख दो, बस रेडी है।